नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। गर्मी का सीजन आते ही देश के अधिकतर इलाकों में तापमान बढ़ रहा है, खासकर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में। उत्तरी दिशा में सूखी और गर्म हवाओं के लगातार चलने से तटीय महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बढ़ती गर्मी का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र के भीरा में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। मंगलवार सुबह 8:30 बजे से 24 घंटे की अवधि में भीरा में तापमान रिकॉर्ड 46.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। यह देश में सबसे ज्यादा गर्म जगह है। इसके अलावा शिमला में गर्मी का 7 साल का रिकॉर्ड टूटा, यहाँ पारा 25 डिग्री के पार हो गया। 28 मार्च को इंदौर में गर्मी का 11 साल का और जयपुर में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। इंदौर में पारा 40.4 और जयपुर में 41 डिग्री पर जा पहुंचा। भीरा में साल के इस महीने में इतना तापमान इससे पहले कभी नहीं पहुंचा था। मार्च महीने में यहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता था। 46.5 डिग्री सेल्सियस तापमान शहर के सामान्य तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। माना जा रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में गर्म हवाएं चलेंगी। इसके बाद हवा में थोड़ी नमी आने की उम्मीद है, जिसके कारण तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। गर्म हवाओं के मद्देनजर स्थानीय लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।